बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है और इस बीच कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। पहले महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही थी और उसके बाद एनडीए गठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता चला गया, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई, यानी अक्सर चुनाव के परिणाम के बाद इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन अब ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया और ये सवाल कांग्रेस के नेता उदित राज ने उठाया है। उदित राज ने एक के बाद एक लगातार दो ट्वीट किए हैं, आपको सुनाते हैं उदित राज ने अपने ट्वीट के माध्यम से किस तरीके से ईवीएम पर हमला बोला है। जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती, ये सवाल उठाया है उदित राज ने। और उसके बाद ठीक दो मिनट बाद फिर एक ट्वीट आया है उदित राज का, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे। इस तरह से अब एक बार फिर से ईवीएम की राजनीति शुरू हो गई है। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। आप ज्यादा ही उत्साहित हो रही है ईवीएम को लेकर, मेरा मानना है। कहां डॉक्टर उदित राज हो रहे हैं भाई, आपके नेता एक्साइटेड हो रहे हैं प्रेम जी। ठीक है, ये उनका आकलन है, उनके पास जानकारी होगी। कांग्रेस पार्टी प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने भी इंडोर्स किया, आपने इंडोर्स किया कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, तो मुझे समझाइए कि कैसे सरकारें बनी आपकी, राजस्थान में कैसे सरकार बन गई आपकी। ये 2020 का मैच है, लास्ट बॉल तक मैच जाएगा और अंतिम बॉल में हम छक्का मारेंगे। ये मैच बहुत क्लोज है, आप दिखा भी रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद, भरोसा और विश्वास तेजस्वी यादव जी पर, महागठबंधन पर किया है और उस भरोसा का विश्वास का परिणाम दिखेगा। हमें आस है, उम्मीद है। अभी बिहार चुनाव में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन सबसे बड़े उलटफेर के दौर से बिहार चुनाव की काउंटिंग गुजर रही है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन अब जो काउंटिंग के बाद तस्वीर साफ हो रही है धीरे धीरे, उसके हिसाब से एनडीए बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, अभी जो कुछ भी रुझान आ रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार फिर से महागठबंधन बढ़त बना सकता है, क्योंकि महागठबंधन की जो सीटें हैं उन पर अभी काउंटिंग होना बाकी है, जो उनके वर्चस्व वाली सीटें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन के लिए लोगों का जोश और जुनून था वोटिंग के समय में या फिर उसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी कम सीटें महागठबंधन को आएंगी, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर इस बीच कई तरह की शंकाएं और कई तरह की बातें चल रही हैं राजनीतिक हलकों में और सब लोग अचंभित हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को हाथों हाथ लिया और उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान वोटिंग के दौरान जैसा रुझान नजर आ रहा था उससे साफ लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब जो आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरीके से वोटों की गिनती चल रही है और उसके बाद रुझान आ रहे हैं और बस थोड़ी ही देर के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का रुझान है, अगर वही रुझान रहेगा तो फिर लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह के आंकड़े आए थे उससे साफ दिख रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है। मगर अब जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा आखिर क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने चुनाव के समय में पूरे तरीके से समर्थन देने की बात कही थी और जहां जहां भी मीडिया के लोग जाते थे या जो लोग भी चुनावी सर्वेक्षण करते थे उनको यही पता चलता था कि बिहार में महागठबंधन की लहर है, क्योंकि लोग
खुलकर बोलते थे कि इस बार विकास की सरकार होगी और इस बार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। इसके पहले के बिहार की कुछ और तस्वीरों से आपको अवगत कराएं और आपको बताएं कि क्या आखिर आगे हो सकता है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी या नहीं। उसके पहले देखिए कन्हैया कुमार ने किस तरीके से अपने समर्थकों को एक तरह से इशारा किया था और सतर्क किया था कि आप सब लोग सावधान पूर्वक रहें और अपने वोटों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। 7 तारीख को बूथ पे अगर आप मुस्तैद नहीं रहे, ईवीएम का सही तरीके से जांच नहीं किए और ईवीएम में जब वोट हो गया तो ईवीएम की सुरक्षा नहीं किए, तो ये बदलाव का संकल्प अधूरा रह जाएगा। वैसे हार जीत अलग बात है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको सबको स्वीकार करना होगा, बिहार के लोगों को भी स्वीकार करना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं महागठबंधन के समर्थक जो ईवीएम जैसी गड़बड़ी पर भी सवाल उठाने लगे हैं। बहुत जल्दी होगी ये बात कहना, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग काउंटिंग के एक रात पहले एक मामला सामने आया और उस तरह के कुछ मामलों को और पहले के कुछ मामलों को जोड़कर महागठबंधन के कुछ नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, ये समय इस तरह के सवाल करने का नहीं है, क्योंकि अब जनता का जनादेश आ रहा है और फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब जो रुझान आ रहे थे उसके बाद अब फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो अब बताएंगे आपको कि किस तरीके से महागठबंधन की सरकार बन रही है या फिर सच में जो कुछ भी रुझान बीच में आ गया और एनडीए ने बढ़त बनाई वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। परिणाम चाहे जो कुछ भी आए, जनता का जनादेश होगा और बिहार के लोगों को और राजनीतिक पार्टियों को भी उसको स्वीकार करना जरूरी है। इस बीच चुनाव के दौरान हालांकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगे और बहुत सारे विवादित मुद्दे भी सामने आए, इस बीच ईवीएम को लेकर और चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी कई तरह की शंकाएं और सवाल उठते रहे। भागलपुर के हटिया चौक पर ईवीएम की चोरी का एक मामला सामने आया था, यहां पर हजारों लोग एक साथ जमा हो गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि काउंटिंग के एक रात पहले आरा में एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी और उस गाड़ी में कहा जा रहा था कि बैलेट बॉक्स है और वो कहां से आया उसकी जांच की जाए। विपक्षी पार्टी और महागठबंधन के नेता जमा हो गए थे और वो उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल चुनाव के दौरान ईवीएम और चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर उठते हैं। जी जी, वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। अभी तक कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी अधिकारियों का फोन नहीं उठ रहा है। सारे कैंडिडेट हम लोग फोन लगा रहे हैं, हमारे एमएलए हैं सुदामा जी भाकपा माले से, फोन लगा रहे हैं, किसी का फोन नहीं रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है नहीं, ये जा रहा था, एक और गाड़ी पकड़ी गई है वहाँ कतिरा मोड़ पे, ये संदिग्ध बक्सा है, इस गाड़ी के कोई पास नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इसमें ईवीएम घोटाले का पूरी तैयारी है, इसमें भाजपा की भाजपा की साजिश है। लेकिन इस बीच सबको इंतजार करना होगा फाइनल रिजल्ट का, क्योंकि वही जनता का असल जनादेश है और उसको सबको स्वीकार करना होगा।